बिहार के आरा कांड पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 360 लोगों के खिलाफ केस। बवाल के बाद शुरू हुई धरपकड़, 15 लोग नामजद। पूरे मामले में दर्ज कराई गई 3 FIR, RJD के स्थानीय नेता सहित 13 हिरासत में। भोजपुर के DM और ASP कर रहे हैं RJD नेता से पूछताछ, पीड़ित से कराई जाएगी पहचान। बिहैया में हंगामे में 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, बिहैया थाना अध्यक्ष और 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, GRP के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और हवलदार भी निलंबित। आरा में दिखा था जंगल राज का मंजर, एक लड़के के शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद जमकर हंगामा और आगजनी। लोगों को युवक की हत्या के पीछे एक महिला पर शक, घर में जमकर की तोड़फोड़, दरवाजा नहीं टूटने पर दीवार तोड़ी। पूरे 4 घंटे तक सुलगता रहा बिहैया इलाका, नहीं नजर आई सुशासन बाबू की पुलिस। बिहैया रेलवे स्टेशन पर भी जा पहुंचे तो उपद्रवी, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस पर पथराव किया। सदमे की वजह से छात्र की बहन के को हार्ट अटैक, भाई के गम में तोड़ा दम। आरा कांड पर तेज हुई सियासत, JDU नेता संजय सिंह ने कहा ऐसी घटनाओं के पीछे RJD का हाथ। बिहार के मोतिहारी में नाबालिग को अगवा कर रेप, बच्चे की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर का किया घेराव, आरोपी फरार। नालंदा से भी आई शर्मसार करने वाली खबर, रेप की कोशिश के बाद महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। महिला का पति काम के सिलसिले में रहता था बाहर, दबंग अक्सर करते थे महिला को परेशान। यूपी के मेरठ में मंचलों से परेशान नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, पीड़ित ने PM और प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। स्कूल आते जाते वक्त परेशान करते थे लड़के, फोन नहीं उठाने पर भी धमकी। देवरिया के बालिका गृह में पहुंची SIT की टीम, संचालक के पति मोहन त्रिपाठी भी साथ। संचालिका गिरजा त्रिपाठी की बेटी कंचन लता को भी लाया गया मौके पर, संस्था की अधीक्षक थी कंचन लता। गिरजा त्रिपाठी, पति मोहन त्रिपाठी और बेटी कंचन लता त्रिपाठी हैं। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर, तीनों से अलग अलग पूछताछ। मध्य प्रदेश के मंदसौर रेप कांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, दोषी को फांसी की सुनाई सजा। मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी, स्कूल के बाहर से किया गया था अगवा। मंदसौर कोर्ट के बाहर जबरदस्त भीड़, आरोपियों को लाते वक्त BJP नेता ने मारा थप्पड़। उज्जैन में एक दिन सुनवाई में रेप केस में फैसला, 6 घंटे में गवाहों, अन्य सबूतों, मेडिकल तथा DNA रिपोर्ट को आधार बनाकर नाबालिग दोषी। मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग के दरिंदों पर झपटा कुत्ता, दोनों आरोपी हिरासत में। 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव, अहमद पटेल बनाए गए कोषाध्यक्ष। आनंद शर्मा को कांग्रेस विदेश प्रकोष्ठ के प्रमुख की जिम्मेदारी, मीरा कुमार को कांग्रेस कार्यसमिति की साइट सदस्य। इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाने को लेकर सिद्धू की सफाई, मोदी जी भी गए थे लाहौर, दोहरा मापदंड क्यों। पाक सेना अध्यक्ष से गले मिलने के विवाद पर सिद्धू ने कहा बाजवा ने मुझसे की अमन की बात। सिद्धू के जवाब पर BJP ने कहा पाक सेना अध्यक्ष से गले मिलना शहीदों का अपमान। पूरे देश में निकलेगी अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा, पार्टी की तरफ से पूरी की तैयारी। कल BJP प्रदेश अध्यक्षों के साथ अमित शाह की बैठक, सबको सौंपा जाएगा अस्थि कलश। कल पार्टी मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन, यूपी सरकार हर जिले में करेगी अस्थि विसर्जन। अब यूपी में भी शुरू हो जाएगा अग्रिम जमानत का प्रावधान, कैबिनेट में पास किया गया प्रस्ताव। गुजरात के सूरत में पुलिस पर 6 लोगों से मारपीट का आरोप, हार्दिक पटेल ने कहा पुलिस बनी अंग्रेज। केरल में बाढ़ की बर्बादी के बाद राहत तेज, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर गिरा रहे राहत सामग्री। केरल के अल्लापूजा में अब भी कई घर सैलाब में गिरे, नाव से किया जा रहा रेस्क्यू। अलुआ के कुछ इलाकों में उतरा पानी, लोग कर रहे हैं साफ सफाई। केरल के वाडी पेरियार में भी उतरने लगा है पानी, 10 दिनों के बाद मरम्मत का काम जारी। कोडागु में बाढ़ के बीच सरधम संभव,
मदर से बने कम्युनिटी किचन। राजस्थान के बूंदी में बारिश से उफान पर नदियां, रामेश्वर महादेव पर्यटन स्थल पर भी झरने का दिखा विकराल रूप। रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, तेज बहाव से इमारतों पर मंडराया खतरा। बूंदी में पूरे वेग से सड़क पर बहा दरिया, मुसाफिरों के ठहरे कदम। बूंदी के पास अकौदा गांव में पुलिया पर दरिया के बहाव में बह गए चार मवेशी। रुड़की में बारिश से हफ्ते भर में दूसरी बार मची तबाही, शहर में हुआ जलभराव, फंसे कई वाहन। तेलंगाना के माचरियल में गर्भवती महिला का रेस्क्यू, अस्पताल में बच्चे का जन्म। मध्य प्रदेश के रायसेन में बांस का पुल पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे, नाले में गिरा बच्चा। रायसेन जिले से विदेश मंत्री सहित चार चार मंत्री, पुल के लिए गांव वालों ने किया था वोटिंग का बहिष्कार। गढ़चिलौरी में बाढ़ के बीच हादसा, नाले में गिरी बस। बस में सवार थे 25 यात्री, रस्सियों के सहारे किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में एक बिजनेसमैन की बेटी ने भिखारी महिला को गाड़ी से कुचला, रॉन्ग साइड से गाड़ी ड्राइव कर रही थी, सामने आई सीसीटीवी की तस्वीर। करीब 100 मीटर तक गाड़ी के साथ घिसटती रही महिला, बाद में पुलिस ने लड़की को किया गिरफ्तार, कुछ देर बाद मिली जमानत। दिल्ली के मालवीय नगर में 5 लोगों ने शराब पीने से रोके जाने पर एक परिवार पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के द्वारका में किसी सरफिरे ने कुत्ते के 7 बच्चों को धारदार हथियार से मार डाला, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली विश्वविद्यालय में तेज हुई छात्र संघ चुनाव की सियासत, प्रचार में जुटा आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन। दिल्ली के कल्याणपुरी में बेखौफ बदमाशों का हौसला, रेप पीड़ित के पिता को बाजार में मारा चाकू। 4 साल की बच्ची के साथ बदमाशों ने की थी दरिंदगी, केस वापस लेने से इनकार करने पर हमला। नशे के कारोबारियों का अड्डा बना गुरुग्राम, 8 महीने में 525 किलो ड्रग्स बरामद। बाराबंकी में टोल प्लाजा पर गुरुजी की गुंडागर्दी, बिना टैक्स कटाए निकाली गाड़ी। मुरादाबाद में दलित महिला की पिटाई, सार्वजनिक नल से पानी पीने पर भड़के दबंग। एलओसी पर पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, तंगधार में एक जवान के जख्मी। पाकिस्तानी रेंजर्स सुबह 5 बजे से कर रहे थे फायरिंग, टिकरी पोस्ट पर लगातार बरसे गोले। तेज बहादुर के आरोपों पर बीएसएफ ने कोर्ट में दिया जवाब, खाने में तेल नहीं डालते कि जवानों के दिल रहे जवान। बीएसएफ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, विद्रोह भड़कने के डर से की गई सख्त कार्रवाई। उमर खालिद पर हमले के आरोपी दरवेश शाहपुर और नवीन दलाल की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड। हैदराबाद के घुम्मनगंज इलाके में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, एक घर में मिले 5 शवों से दहला इलाका। एक घर में दंपत्ति और उनकी 3 बेटियों का मिला शव, बंद था दरवाजा, पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। पुलिस के घर में घुसने पर पंखे से लटका मिला मनोज नाम के युवक का शव, फ्रिज में मिली पत्नी की लाश, अलमारी में था 8 साल की बेटी प्रीति का शव। 3 साल की बेटी श्रेया का शव एक बक्से में मिला, जबकि 6 साल की बेटी शिवानी की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली, गला दबाकर सभी की हत्या का शव। पुलिस को मनोज पर पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद खुदकुशी का शक, जांच में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। वाराणसी में कैदी के सामने बेबस नजर आई पुलिस, पेशी पर आए कैदी ने कोर्ट के लॉकअप में किया हमला। मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर 5वीं कक्षा के छात्र को पीटने का लगा आरोप, टूटा हाथ, परिजनों ने डीएम से की शिकायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोसी कला रेलवे स्टेशन में हादसा, ट्रैक पार करते वक्त चपेट में आए 7 लोग, 1 की मौत, 6 घायल। लखनऊ के हजरतगंज में 4 मंजिल इमारत का हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे लोग। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के भिंड में अस्पताल के बाहर बच्चे का जन्म, परिवार वालों ने कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब की दुकान को सील किया। राजधानी दिल्ली में दोस्त से वीडियो कॉल के दौरान छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, फोन जब्त कर जांच से जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में तंत्र मंत्र साधना में बच्चे को बलि देने का खुलासा, 8 साल की बच्ची को नदी में
बहाकर्मा ने कहा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मकान की दीवार गिरी, 7 साल की बच्ची की मौत, 5 घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा, माछिल यात्रा से लौट रही खाई में गिरी, 12 की मौत। हादसे में बुरी तरह चकनाचूर हो गई गाड़ी, बच गया 1-5 साल का मासूम। लखनऊ में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 बैग में प्रतिबंधित दवाएं बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांवड़ियों का कोहराम, ट्रक में लगाई गई आग। ट्रक में जानवर होने के शक में हमला, ट्रक ड्राइवर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। इलाहाबाद में पुन्नेश्वर महादेव में मंदिर में शिव भक्त ने की अनोखी पूजा, भोले को खुश करने के लिए शिवलिंग पर जहरीले सांप चढ़ाकर किया पूजन। बकरीद में कुर्बानी के लिए दिल्ली की गाजीपुर मंडी में 3 बकरे 80,000 में बिके, सलमान शाहरुख और सैफ का हुआ सौदा। कानपुर में बकरों की सेवा, खूब खिलाई जा रही है मेवा। अलीगढ़ में अफगानी बकरे की खास शान, चीनी बकरे भी डिमांड। रायपुर का अप्पू बकरा भी सुर्खियों में, मालिक ने खिलाया है दूध और बादाम। जकार्ता एशियन गेम्स में मेडल पर अचूक निशाना, 10 मीटर एयर पिस्टल में 16 साल के सौरभ चौधरी ने जीता गोल्ड। मेरठ का रहने वाला है सौरभ, शानदार कामयाबी पर घर में जश्न। योगी ने सौरभ चौधरी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का ऐलान किया। 50 मीटर राइफल इवेंट में संजीव राजपूत का अचूक निशाना, सिल्वर पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल में ही अभिषेक वर्मा ने जीता कांस्य पदक, प्रतियोगिता में भारत को अब तक 3 गोल्ड समेत 8 पदक। सऊदी अरब में शुरू हुई पवित्र हज यात्रा, लाखों की भीड़। हज से पहले शैतान को पत्थर मारने की परंपरा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। रूस के चेचनिया में आईएस आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल, 2 आतंकी ढेर। चीन के ग्वांगझू में 4 मंजिला इमारत पर दिखी कुदरती कलाकारी, दीवार पर उगे बरगद के पेड़ से दिखा पेंटिंग जैसा नजारा। इटली में टूटे पुल को ही हो रही मरम्मत, जिनेऊ में पुल ढहने से हुई थी 43 लोगों की मौत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।